नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश मिश्र और आप देख रहे हैं रियल भारत। आइए आपको ले चलते हैं झारखंड की बड़ी खबरों की। निर्माणाधीन बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। रांची जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा कारागार में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण करने अर्जुन मुंडा के साथ पहुंचे सांसद समीर उरांव। भावना व्यक्त की जा रही है कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। चतरा में नक्सलियों के द्वारा जंगल में लगाए गए आईडी ब्लास्ट से एक युवक का पैर जख्मी हो गया है। यह घटना राजपुर थाना क्षेत्र के कोलहिया पंचायत अंतर्गत डुमरिया जंगल की घटना है। युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के रातू रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर के बगल में लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, जिससे कई लोग बाल बाल बच गए हैं। रिम्स रेजिमेंट डॉक्टरों को 3 साल से नहीं मिल रहे सातवें वेतन मान। डॉक्टरों में आक्रोश। डॉक्टरों ने कहा कि दूसरे राज्यों में कोरोना में कार्य कर रहे चिकित्सकों को अतिरिक्त वेतन मान दिया गया है, वहीं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कार्य कर रहे रेजिमेंट चिकित्सकों को सातवें वेतन मान के बकाए की राशि भुगतान अभी तक नहीं की गई है। एचईसी विस्थापितों की मांगों और समस्याओं को लेकर मांडर विधायक अनु तिर्की की अगुवाई में नया सराय मुड़मा के पास बैठक की गई। सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक बंधु तिर्की के समक्ष अपनी बातों को रखा। झारखंड के सांसद धीरज प्रसाद साहू ने केंद्र सरकार पर झारखंड सरकार को कमजोर करने का लगाया आरोप।